ट्रेन से अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली से मथुरा। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे इसी ट्रेन से अभी हम आए हैं दिल्ली से मथुरा। तो बस यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं मंदिर घूमने के लिए। तो भाई मथुरा स्टेशन से निकल के बाहर अभी आ चुके हैं सीधा श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर। जन्म स्थान तो ये पूरा मथुरा उनका ही स्थान है, लेकिन यहाँ पे मंदिर बना हुआ है तो वो मंदिर जाते हैं और आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं और दर्शन करते हैं। भाई ये सामने रहा मेन एंट्रेंस गेट, फिर ये देख रहे हैं आप इधर ये लॉक रूम बना हुआ है, सामने लिखा हुआ है आप बैग रख सकते हैं, ₹10 लगेगा बैग रखने का। इधर फोन रखने का एरिया है, ₹2 लगेगा फोन के साथ रखने का, ₹2 तक ही लगेगा बस। तो भाई मेरे पीछे रहा मंदिर, तो मेरा दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट हम आरती के टाइम पर पहुँचे, काफ़ी अच्छे से आरती भी देख लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो मंदिर के बाहर निकल चुके दर्शन करके, बैग रखने ₹10 लगता है अंदर लॉकर रूम में और फ़ोन रखने का ₹2 करके लगेगा आप लोगों को, अंदर रख सकते हैं फिर अंदर, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन, कैमरा वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोन हम रख दिए थे। तो आप लोगों को दिखा दिया, बस यहाँ से निकलते हैं वृंदावन, आपको वृंदावन जाके प्रेम मंदिर भी दिखाते हैं। तो बस चलिए मेरे साथ हरे कृष्ण। ये पूरा नाइट का व्यू मंदिर के बाहर का, रास्ता निधिवन जाने का, चलते हैं निधिवन। इधर से है अंदर जाने का रास्ता प्रवेश द्वार, तो अंदर चलते हैं, इधर से रास्ता जाने का पूरा। इधर बंदर है भाई, ये पूरा निधिवन का एरिया जहाँ पे रासलीला होता है भाई शाम के टाइम में हर दिन। तो यहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं है, रहना अलाउड नहीं है, सब निकल जाते हैं। चश्मा ले चुका है, छीन लिए ना। राधे राधे बोलो, माता लगा लो, ये यात्रा तो करो, मोबाइल बंद कीजिए मोबाइल। पीछे दर्शन कर लिए मंदिर में हम, फोटो अलाउड नहीं है फिर भी क्लिक हो गया फोटो। तो बस अभी आप अंदर देख सकते हैं भाई, फ़ोन का व्यवस्था रखना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि फ़ोन लेकर भाग सकते हैं। इधर है पूरा एरिया निधिवन, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर घूमने में। बस यहाँ से निकलते हैं बाहर, यही तो दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा दिया। ना इधर कुंड बना हुआ है, इधर नीचे कुंड है, कुआं है, यही पेड़ है अंदर में। हाँ पूरे निधिवन में प्रणाम कर लिया है हरे कृष्णा। तो बस यहाँ से निकलते हैं बाहर। शंभू की बाहर एग्जिट हो गए, इसका हल्का सा बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब यहाँ से सीधा निकलते हैं बाकी बिहारी मंदिर। सामने है बिहारी जी मंदिर, चल रहा है
दर्शन के लिए पूरा भीड़ लगा हुआ है, अभी लग गया लाइन में दर्शन करने के लिए। अंदर से वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, दर्शन करके बाहर निकलते हैं, फिर बातचीत करते हैं आप लोगों से। भाई हम तो बाहर अभी निकल चुके हैं, ज़्यादा भीड़ था तो दर्शन करके बाकी बिहारी मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अब सीधा चलते हैं प्रेम मंदिर, देखते हैं अगर वहाँ पे हो सका प्रेम मंदिर दिखाते हैं और इस्कॉन टेम्पल भी घूमते हैं राधे राधे। भाई वैसे तो मंदिर काफ़ी है यहाँ पे वृंदावन में, लेकिन मेन मंदिर जो माना जाता है वो है बाकी बिहारी जी का मंदिर, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पे दर्शन हो गया, मतलब हर जगह का हो गया। इसके बाद प्रेम मंदिर के, प्रेम मंदिर ज़्यादातर फेमस है लाइटिंग के लिए, उसकी सामने होता है तो लाइटिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, तो लाइटिंग तो भाई सामने होगा। मेरा सामने ट्रेन है दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली भी निकलना है, तो बस अभी चलते हैं बाहर से दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारा, फिर यहाँ से सीधा ट्रेन लेकर मथुरा स्टेशन से सीधा दिल्ली, क्या दिल्ली से ट्रेन लेकर सीधा कर। हरे कृष्णा। हाँ, इस्कॉन के अंदर का ये है, चल रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर। तो फाइनली अब एंटर करेंगे अंदर प्रेम मंदिर के अंदर, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर पहुँच कर। तो भाई अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो नज़ारा। सब जगह घूमने के बाद फाइनली अब लास्ट पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। सोचे तो नहीं थे कि यहाँ पे आएंगे, लेकिन भगवान का बुलावा था, दर्शन करने का था मेरा। आज शाम में लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अभी तो नहीं हो रहा है। मंदिर जा ही नहीं रहे, अब भी कह रहे चलो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो बस सीधा अब दर्शन के लिए अंदर चलते हैं मंदिर के, मंदिर का पीछे साइड का व्यू है, बैक साइड व्यू प्रेम मंदिर का। अब अगले बार कभी भाई आएंगे तो आपको नाइट का व्यू दिखाएंगे, नाइट में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लाइटिंग होता है, बहुत शानदार लाइटिंग होता है, अभी तो नहीं है। Thank you.
भाई मेरे पीछे ये रहा, ये है फ्रंट डोर प्रेम मंदिर का और इधर है गोवर्धन पर्वत मतलब बना हुआ है पूरा, अच्छा लग रहा काफ़ी ज़्यादा। आपको चारों बगल का नज़ारा दिखा दिए घूम घूम कर, चारों साइड का पूरा 60 डिग्री में। तो बस हम भी दर्शन करके आते हैं अंदर से, फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ तो ले लेना भी है, इधर ले ले, इधर भी लेना जल्दी। ये पूरा मंदिर के अंदर का व्यू है। हम नीचे से अभी आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा है प्रेम मंदिर के ऊपर का। ये बड़ा सा झूमर बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। दर्शन हो गया मेरा काफ़ी अच्छे से, आपको दिखा भी दिया अंदर का नज़ारा हम। बस अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बहुत कुछ दिखा दिया आपको इस वीडियो में हम। तो मिलते हैं तो अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पहली बार देखें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक नई लोकेशन पे, एक नई डेस्टिनेशन है, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा हरे रामा।